यामा कर्मक जी ने जो संभाल रहे हैं वो काफी अच्छा से मैनेज यहाँ पे कर रहा है। आलो वाला प्रोजेक्ट में मैं कल जाके विजिट किया, वहाँ का कॉन्ट्रेक्टर और वहाँ के एग्जीक्यूटिव एजेंसी दोनों को कहा कि जल्द से जल्द इस आलो वाला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। सरकार की ओर से जो भी 3 साल में एयरपोर्ट बना दिया, और दुख का बात यह है कि आलो का जो स्टेडियम है 2018 में सेंक्शन करके रखा, अभी 5 साल हो रहा है, अभी तक भी कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए चलते मेरा थोड़ा सा टूर रुक गया था, मगर कोविड अभी खत्म हो चुका है तो फिर दोबारा फिर मैं लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं उसको आपको देखा हाल देखने के लिए सुनने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। मगर जिस प्रकार से अपने इस निरुमबा कॉन्स्टिट्यूएंसी यामर कर्मक जी ने जो संभाल रहे हैं वो काफी अच्छा से मैनेज यहाँ पे कर रहा है, और जिस प्रकार से आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक यूनिटी का जो लहर जो उन्होंने जोड़ रहा है ये बहुत ही एक एग्जाम्पलरी है। मैं ये मानता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश पर दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इसी मॉडल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रकार का स्पोर्ट्स कार्निवल और जितने भी जो हमारा ग्राम पंचायत है उस लेवल से टीम आके पार्टिसिपेट करना ये अरुणाचल में कहीं नहीं होता है। ये केवल होता है अपना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में निरुमबा जोमचा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होता है। अभी कल में वहां आलो में भी एक बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम भी हमने उद्घाटन करके हमने आया है, और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता चला है कि यामर जी के इनिशिएटिव्स में बहुत सारा अभी इंडोर स्टेडियम्स कुछ बन के कम्प्लीट हो गया और कुछ अभी अंडर प्रोसेस में है, और जो फुटसेल का हो गया हर एक जगह में यहाँ पे फुटसेल भी बना रहा है इस प्रकार से हमें बताया गया। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन पर्टिकुलरली यामर कर्मक जी काफी रुचि लेके अपना इस डिस्ट्रिक्ट में और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पे काम कर रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी हम लोग कुल मिला के 15 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड करीबन 23 करोड़ का लागत से हम लोग 15 लोकेशंस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि 4 इंटरनेशनल स्टेडियम उसका 4 हम लोग ने ऑलरेडी बना चुका है, पासीघाट, जीरो, दापोरिजो और यूपिया, और 3 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग में है, एक आलो में है, एक तेजू में है और एक चिंपू में है। आलो वाला प्रोजेक्ट में मैं कल जाके विजिट किया, वहां का कॉन्ट्रेक्टर और वहां के एग्जीक्यूटिव एजेंसी दोनों को कहा कि जल्द से जल्द इस आलो वाला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, सरकार की ओर से जो भी फंड है वो फंड्स का कमी बिल्कुल होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ खेलो इंडिया के अंतर्गत पर 20 मल्टीपर्पज इंडोर हॉल्स हम लोग अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है, जिसका अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, गिराम, ट्रिबिन और बसार का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो ऑनगोइंग 17 जगह में है वो अभी ऑनगोइंग है, बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी 3 बड़ा फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ने सेंक्शन करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारा और भी प्रोजेक्ट्स है, मैं पूरा लिस्ट आप लोगों को पढ़ के आप लोगों को बोर नहीं कराऊंगा। कहने का मतलब अभी राज्य सरकार काफी फोकस वे में हम लोग स्पोर्ट्स क्षेत्र को आगे लिफ्ट कर रहा है। मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोगों का भी मिशन होना चाहिए मिशन ओलंपिक्स। अभी मिशन ओलंपिक्स का टारगेट हम लोग 2028 से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 2028 से शुरुआत करने के लिए तैयारी अभी से हम लोग को शुरू करना है। इसलिए डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि खास करके अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो अगर मेडल टेनिस का हम लोग कंपेयर किया जाए तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोगों का बहुत क्षमता है, हम लोगों का बहुत कैपेसिटी है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, जैसे मार्शल आर्ट्स में हो गया कराटे, जूडो, वुशू, इसके बाद बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, इस प्रकार से जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोगों का बहुत कैपेबिलिटीज है हमारे यूथ में। तो डिपार्टमेंट और ओलंपिक एसोसिएशन को हमने कहा कि 5 फील्ड, 5 डिसिप्लिन आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए,
उसी डिसिप्लिन को हम लोग अभी मिशन ओलंपिक के तौर पे ट्रेनिंग या जो भी करना है सरकार अपना खुद करके 2028 ओलंपिक्स के लिए अभी से हम लोग ने तैयारी शुरू करने का रोड मैप अभी बना रहा है। तो आज यहाँ पर दरका में धारक में आके जो यहाँ के विधायक श्री यामा कर्मक जी ने जो काम किया है आप लोगों के सामने में उद्घाटन करने का हमें मौका मिला है। कुल मिला के 29 प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है और 5 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी पीएचईडी और अरुणाचल पुलिस हाउसिंग और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, तो 5 एजेंसी मिलकर अलग अलग अपने डिपार्टमेंट के जो विषय पर 29 प्रोजेक्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा डेडिकेट किया है। तो देखिए अभी उस जमाने में एमएलए मिनिस्टर्स को फंड मिलना, केंद्र सरकार से वो राज्य सरकार से वो सेंक्शन मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, मगर अभी नरेंद्र मोदी जी का सरकार और यहाँ पे अरुणाचल में अपना सरकार टीम अरुणाचल का सरकार जो पीएम साहब हमेशा कहते हैं डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार में अभी डिफरेंस ये है, विटनेस आप लोग रह चुका है, पिछले पुराना गवर्नमेंट पुराना पीएम पुराना सीएम उनका लीडरशिप भी आप लोग ने देखा और इस प्रकार से अभी नया जो डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप पर उसका अंतर्गत भी देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगों का विकास के लिए कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग सपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। और ईटानगर एयरपोर्ट तो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है, 2019 में प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया, 3 साल बाद उसी फ्लाइट में वो उसी एयरपोर्ट में वो दिल्ली से डायरेक्ट लैंड किया, ये रिकॉर्ड टाइम है रिकॉर्ड टाइम। इससे ये प्रूफ होता है कि उस बीच में 2 साल भी कोविड का महामारी भी आया था उसका बावजूद भी हम लोग ने बना के कंप्लीट किया, तो इससे ये चीज प्रूफ होता है कि अगर आप करना चाहेगा तो आप कुछ भी कर सकता है। आप देखिए 3 साल में एयरपोर्ट बना दिया और दुख का बात यह है कि आलो का जो स्टेडियम है 2018 में सेंक्शन करके रखा, अभी 5 साल हो रहा है अभी तक भी कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का देखिए यहाँ का जो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर उसको एक मन बनाना होगा, केवल सिर्फ मैं इसका आलो का ही बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी यहाँ पे काफी ऑफिसर्स लोग होंगे आप लोग तो आप लोग भी देखिए एक डेडिकेशन का साथ में काम करेगा। एयरपोर्ट 3 साल में बन जाता है, एक बिल्डिंग को 5 साल लगने से ये पब्लिक के लिए ये ठीक नहीं है। सरकार गवर्नमेंट में फंड्स का कमी नहीं है, अभी हम लोग फंड अभी सरप्लस है हम लोग अभी, इसीलिए पुराना जितने भी जो सेंक्शन है लाइबिलिटीज है राज्य सरकार का सब हम लोग ने क्लियर कर दिया है। तो इससे आप लोग एक टीम स्प्रिट पर अपने जो सीनियर्स होता है उनको अप्रोच करना है, सीनियर जो है कंसर्न सेक्रेटरी मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट है उनको अप्रोच करके अभी काम करना है हम लोग को, पुराना स्टाइल में आराम से चलेगा उस टाइम अभी नहीं होता है, अभी दुनिया जो है एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से अरुणाचल को भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस रफ्तार से काम करना है मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, धोनी पोलो एयरपोर्ट को 3 साल के अंतर्गत में हम लोग ने बना दिया, जब एयरपोर्ट 3 साल में बन जाता है तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोगों को अभी दोबारा फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा अपने आप को रीएनर्जाइज करते हुए अपना राज्य को हम लोग दोबारा फिर सर्विस डेडिकेट करना ये बहुत जरूरी है। अभी आज हमारे बीच यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर हमारा निजुम लोनिया साहब भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने यहाँ पे कनेक्टिविटी का बारे में बताया कि इसी रोड पे कुछ ब्रिजेस का जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी जो जहाँ पे हम लोगों का ब्रेकफास्ट में जो गांव में मैंने वहाँ के जनता को भी कहा कि इस रोड का हम इसको अपलिफ्टमेंट हम जरूर करेंगे, आखिर वह ब्रिज भी मैंने देखा था तो मैं डिपार्टमेंट को बात करके इस ब्रिज को कौन सा टेक्नोलॉजी का माध्यम से स्ट्रेंथनिंग करना है उसको हम जरूर करेंगे। नामर जी ने कहा है कि इस रोड के अंतर्गत में करीबन 16 या 17 गाँव इस रोड का बेनिफिशियरी होता है, तो इस रोड को स्ट्रेंथनिंग हम जरूर करेंगे आने वाला दिनों में। और एक इम्पोर्टेंट चीज नामर जी ने यहाँ पे बताया कि जो 2 सर्कल्स है जोमचा और लिरुमोबा, जोमचा और लिरुमोबा में रोड कनेक्टिविटी
का वहाँ पे बहुत ही पुराना डिमांड है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रोड बन जाए, करीबन 35 टू 40 किलोमीटर का शायद ये रोड लेंथ होगा। तो मैं जरूर आप लोगों का इस रोड का भी मैं कुछ ना कुछ करके काम शुरुआत करने के लिए मैं जरूर सेंक्शन कर दूंगा। आने वाला दिनों में योमचा और निरुमगा भी रोड जरूर बन जाएगा। देखिए लीडरशिप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी टाइम का मुताबिक न्यामर जिस पोजीशन में है आप और आप लोगों का आशीर्वाद से, विजुन मोनिया साहब जैसे सीनियर लीडर्स लोगों का आशीर्वाद से जो अभी न्यामर अभी इस पद पे जो है, तो ये आदमी भी बहुत अच्छा है, नया टेक्नोलॉजी को भी समझ लेता है और युवा है, जवान लोगों के साथ भी फटाफट घुल मिल जाता है और सीनियर लोगों के साथ भी घुल मिल जाता है। तो लीडरशिप कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोग्रेस के लिए। तो आज यहाँ पे जितने भी जो हमारे गांवबुरा लोग हैं, हमारे चारों सर्कल से जितने भी जो लीडर आए हैं, आप सभी को मेरा ये निवेदन होगा आप लोग न्यामर कर्मक जी का साथ में हमेशा, उनका पॉलिसीज के साथ में हमेशा साथ दीजिएगा। न्यामर को साथ दिया मतलब आप लोगों का आशीर्वाद हमें भी छाया हुआ है, इसी प्रकार से आप लोग सोच लेना है। न्यामर को आशीर्वाद दीजिए और वही आशीर्वाद जो है आप लोग हमारा ऊपर में दिया जैसे ही हो जाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आज यहाँ पे जो 31 ग्राम पंचायत के लोग जो यहाँ पे आए हैं खेल में, वेरियस गेम्स में जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, उन सभी को मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। और ये जो सामने में लेफ्ट साइड में जो ट्रॉफी रखा हुआ है, इतना बड़ा ट्रॉफी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा और वहाँ पे मैं पढ़ा तो देखा ये बड़ा जो ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल विनर के लिए है और सेकंड वाला जो शायद वो रनर्स अप का ये फुटबॉल का ट्रॉफी है। तो ये ट्रॉफी देख के बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फुटबॉल का है और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं खुद ही हूँ और बाकी जो ट्रॉफी है वो छोटा है बोल के वो नहीं समझना है, मगर ये सब में अपना अपना एक वैल्यू होता है। तो बेस्ट विशेस सभी को और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग जो मेन जो एसोसिएशन है लोडू बंगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, आप सभी को भी बेस्ट विशेस। और इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, बाद में हम एसोसिएशन का माध्यम से आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं दोबारा फिर आऊँगा, दोबारा मिलेंगे आप सभी से। तो आप सभी को मैं ये भगवान धोनी पोलो से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सेहत बहुत अच्छा, हेल्थ आप लोगों का मेंटेन हो और आप सभी को जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया सुबह शाम जब भी होता टाइम मिलता है एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, स्पोर्ट्स कुछ खेलिए, अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन रखिए। और धोनी पोलो को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूरा परिवार में पूरा खुशी से एकदम पूरा ब्लेस करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।